दोस्तों, पशुओं में संतुलित पोषण की कमी का असर सिर्फ पशुओं के स्वास्थ्य पर, डेयरी उत्पादों पर या उनकी गुणवत्ता और मात्रा पर नहीं पड़ता। पशुओं के आहार में संतुलित पोषण की कमी सीधे सीधे हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है, क्योंकि तमाम डेयरी उत्पाद जिनका हम और आप सेवन करते हैं वो उसी असंतुलित आहार का सेवन करने वाले पशुओं से हमें प्राप्त होते हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है कि पशुओं को स्वस्थ, स्वच्छ और संपूर्ण पोषक आहार दिया जाए। लेकिन दिन ब दिन बढ़ते शहरीकरण और घटती जमीन ने पशु चारे की समस्या को काफी विकराल रूप दे दिया है। ऐसे में विकल्प क्या है, कैसे पशुओं के लिए संतुलित आहार की पूर्ति हो? तो दोस्तों, जवाब है हाइड्रोपोनिक चारा। ये चारा हानिकारक रसायनों से मुक्त और पौष्टिकता से भरपूर होता है। ऐसे डेयरी व्यवसायी जिनके पास जमीन का अभाव है, पानी की समस्या है, वो अपने पशुओं को हाइड्रोपोनिक चारे के रूप में संतुलित पोषक आहार दे सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक से चारा उगाने के लिए एक वातावरण तैयार किया जाता है जिसमें तापमान, आर्द्रता, प्रकाश और वायु में संतुलन बनाया जाता है। जमीन की कमी हो, पानी की किल्लत हो, मवेशियों के लिए पौष्टिक आहार की ज्यादा जरूरत हो, तो आप थोड़ी जमीन पर ट्रेज में इस विधि से हाइड्रोपोनिक चारा उगा सकते हैं। हरा चारा मवेशियों को खिलाना काफी महंगा पड़ता है। ठीक उसके उलट हाइड्रोपोनिक चारा कम समय में थोड़ी लागत और थोड़ी मेहनत से तैयार हो जाता है। शोध में भी पाया गया है कि परंपरागत हरे चारे के मुकाबले हाइड्रोपोनिक चारे में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन ज्यादा होते हैं और ऊर्जा भी अधिक होती है, और इसे खाने वाले दुधारू पशुओं का दूध उत्पादन भी ज्यादा होता है और गुणवत्ता भी बढ़ती है, क्योंकि मवेशी को प्रोटीन, मिनरल भरपूर मात्रा में इससे मिल जाते हैं। तो दोस्तों, कैसे उगाएं हाइड्रोपोनिक चारा, चलिए वो भी बताते हैं। दोस्तों, हाइड्रोपोनिक टेक्निक से बिना मिट्टी के सिर्फ पानी से 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 80 से 85 फीसदी नमी में ये चारा तैयार होता है। हाइड्रोपोनिक चारा उगाने के लिए बनी मशीन में प्लास्टिक की ट्रेज लगी होती हैं, जिनमें ज्वार, बाजरा, मक्का और गेहूं के दानों से ये चारा तैयार किया जाता है। इसके लिए बीजों को पहले करीब 24 घंटे तक पानी में भिगोकर रखा जाता है। इसके बाद जूट के बोरे में ढककर रखा जाता है ताकि बीजों में अंकुरण हो सके। फिर अंकुरित दानों को मशीन की ट्रेज में बराबर मात्रा में फैलाते हैं, अनुमानित एक ट्रे में 1 किलो दाना। फिर इसके बाद लगातार 7 दिन तक दिन में 8 से 10 बार इनकी सिंचाई होती है। ये सिंचाई मशीन में लगे फव्वारों से ही होती है। 8 से 10 दिन के बाद एक ट्रे से आपको करीब 10 किलो तक हरा चारा प्राप्त होता है। जहाँ तक बात है पानी की आपूर्ति की, तो पानी की आपूर्ति के लिए हाइड्रोपोनिक मशीन में नीचे की तरफ फाइबर की टंकियाँ लगी होती हैं, जिनका पानी सर्कुलेट होता रहता है और इस्तेमाल किया हुआ पानी वापस टैंक में पहुंचता है। इस तरह पानी की खपत भी इसमें कम होती है। दोस्तों, 9x27 फीट की हाइड्रोपोनिक चारा मशीन में 20 ट्रेज होती हैं, जिससे रोजाना 2 से 2.5 क्विंटल तक हाइड्रोपोनिक चारा मिलता है। यानी जितना चारा उगाने के लिए आपको 1.5 से 2 बीघा जमीन की जरूरत पड़ती है, उतना चारा आप सिर्फ 27x9 फीट की इस मशीन से ले सकते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ये मशीन काफी महंगी होगी, तो आपको बता दूं कि 50 ट्रेज वाली मशीन के लिए आपको 18 से 20 हजार रुपए का खर्च आएगा। अगर आप ज्यादा या कम ट्रेज वाली मशीन लगाना चाहते हैं, तो खर्च भी उसी हिसाब से घट या बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि हाइड्रोपोनिक तकनीक से उगाया चारा परंपरागत विधि से उगाए पशु चारे के मुकाबले हर लिहाज से काफी उत्तम है। फिर बात चाहे लागत की हो, मेहनत की हो या फिर हो पौष्टिकता की, तो उगाइए हाइड्रोपोनिक चारा और पूरी कीजिए अपने पशुओं की पौष्टिक चारे की जरूरत। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।